अच्छा, ड्रामा सीरियल में हमने एक चीज़ देखी ना कि एमल को बिल्कुल भी अपनी बहन का एहसास नहीं हो रहा। उसकी एक्चुअल वजह यह है कि भाई जिस तन बीते वो तन जाने। यहाँ पर जो कुछ एनी बर्दाश्त कर रही है वो सिर्फ एनी समझ सकती है, या कह दें कि उसकी सास समझ सकती है, लेकिन सास समझना चाहती नहीं है। और एनी जो है वो बेचारी डूबती डूबती डूबी ही जा रही है। लिहाजा बहुत जल्दी हमें एक चीज़ का मालूम होगा कि अफ़ान अपनी माँ को इस चीज़ के लिए राज़ी कर लेगा कि मेरी शादी एनी से करवा दे। अब माँ यहाँ पर नई चाल चलेगी और एमल को कहेगी कि तुम तो मेरे बेटे को औलाद दे नहीं सकी हो, लिहाजा अब तुम्हारा पत्ता जो है वो फाड़ी है, तुम अपने घर बैठो और मैं यहाँ पर शहरियार की शादी करवा दूंगी आयमा से। यहाँ पर जब ये कंडीशन आ जाएगी ना एमल के ऊपर, तब उसको एहसास होगा एनी की कंडीशन का। अच्छा जी, दोनों बहनों में दोबारा से मोहब्बत पहले की तरह हो जाएगी। दोबारा हम इस चीज़ में ये देखेंगे कि यहाँ पर आंटी जी को बहुत जल्दी दुर्गाना और उसकी बेटी यानी आयमा की असलियत पता चल जाएगी कि एक्चुअल में वो सिर्फ पैसों के लालच में इसके पीछे हैं और भी शादी के बाद उसको फारिग करने